ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि ये ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। बम ना फोड़ने के बदले में $30,000 की मांग की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की ये धमकी दी गई हो और ईमेल कर $30,000 की मांग की गई है। बता दें कि बम ना फोड़ने के बदले $30,000 की मांग की गई है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इससे पहले भी कई बार ये देखा गया है कि दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन आज ये जो खबर सामने आ रही है ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के कई बड़े स्कूलों समेत 40 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें DPS आर.के. पुरम और पश्चिम बिहार के GD गोयनका स्कूल को भी बम से उड़ाने की ये धमकी मिली है। ये ईमेल आया है जिसमें ये धमकी दी गई है, जिसके बाद स्कूलों ने बच्चों को वापस घर भेज दिया है। कई स्कूल बंद हो गए हैं। बम की धमकी के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को ये जानकारी दी गई है, और दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि सोमवार को दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें DPS आर.के. पुरम और पश्चिम बिहार के GD गोयनका स्कूल, मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूल शामिल है। बता दें कि कुल मिलाकर 40 स्कूल हैं जिनको आज ये धमकी भरा ईमेल आया है, और इसके जरिए $30,000 की मांग भी की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, जहां दिल्ली में 40 स्कूलों को धमकी दी गई है बम से उड़ाने की, और $30,000 की मांग भी की गई है।